Hello students, this is Mrityunjay Shukla and you are watching Education Time. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ऑफ कंजंक्शंस. सो फर्स्टली हमें ये जानना होगा कि कंजंक्शंस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है. ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, सबको पता है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो कंजंक्शन हमें आज पढ़ना है. कंजंक्शन का डेफिनेशन होता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस और एड्स phrases, clauses or words. Okay, तो conjunction क्या है? Conjunction वो word है जो दो phrases को, clauses को या sentences. Okay, we will write sentences also and sentences. ओके, सो कंजंक्शन वो वर्ड है जो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा. ओके, हमारे पास ये क्लास 8 का वीडियो मैं बना रहा हूं, तो हमारे पास क्लास 8 में 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं, नेमली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. सो लेट मी राइट. Coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. So these are the three types of conjunction in your standard. Okay, इन तीनों types को अब धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट वन, मतलब कंजंक्शन पार्ट वन. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? वो जनरली ज्वाइन करते हैं दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को. लेट मी राइट द डेफिनेशन. अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दीज कंजंक्शंस ज्वाइन one or more words, phrases and clauses of equal and same rank. Okay, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? दीज कंजंक्शंस ज्वाइन वन और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल एंड सेम रैंक. इसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होगा जो एक टाइप के सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, जो सेम रैंक के, जो सेम स्टैंडर्ड के होंगे. स्टैंडर्ड इन द सेंस मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा वो दोनों कर पाएगा. ओके, इसमें मैं और बताऊंगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आएगा. पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं. शी वांटेड टू गो टू बेड एंड टेक रेस्ट. सो एंड जो है वो मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है.
अब इसमें सेम रैंक की जो बात आ रही है या इक्वल रैंक की जो बात आ रही है उसे समझते हैं। शी वॉन्ट टू गो टू बेड, बेड पे कौन जा रहा है मतलब सोने कौन जा रहा है, शी ओके, और रेस्ट कौन ले रहा है, शी। तो दोनों जो मेरे क्लॉजेस हैं या दोनों जो फ्रेजेस हैं उसे कौन कनेक्ट कर रहा है, मतलब वो किसके लिए है, शी के लिए है। और ये दोनों कर सकती है ओके, ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड सेम रैंक, और ऐसे टाइप्स के ही वर्ड्स को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। जो इस टाइप के सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को जोड़ेगा उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहेंगे ओके। अब इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब वो क्लॉज जो बाकी के सेंटेंस को हटा देने के बावजूद भी उसका एक परफेक्ट मीनिंग रहता है। जैसे यहां पे मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, मेरा पूरा सेंटेंस फ्रॉम हियर टू हियर ओके इतना है। अब मैं सेंटेंस का एक हिस्सा लूंगा ओके जिसमें सब्जेक्ट भी है, तो उसे हम लोग क्लॉज कहेंगे। क्लॉज यही होता है, सब्जेक्ट के एक ऐसे हिस्से को लेंगे जिसके पास, सेंटेंस के एक ऐसे हिस्से को लेंगे जिसके पास सब्जेक्ट भी हो, इसी को हम लोग क्लॉज कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो जाएगा, इतना पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे, आप इसे रिमूव करो एंड टेक रेस्ट जो है उसे रिमूव करके सेंटेंस को पढ़ो। शी वॉन्ट टू गो टू बेड ओके, ये एक कंप्लीट सेंटेंस समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर इसके साथ कोई और नहीं है तब भी इसका मीनिंग क्लियर होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज ओके। ये नहीं होगा क्योंकि टेक रेस्ट कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ओके। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे ही सेंटेंसेस को जोड़ेगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। देर आर, जैसे देख लो, एंड है, बट है, बट भी हम लोग लगा सकते हैं, जैसे बट मैं लिख देता हूं, रोहन वर्कड वेरी हार्ड बट ही फेल्ड ओके। सो से दिस, वर्कड वेरी हार्ड ये कौन किया है, रोहन ने किया है। फेल कौन हुआ है, रोहन ही फेल हुआ है। सेम रैंक के हैं मेरे दोनों सेंटेंसेस ओके। और इसमें एक जो है इसमें भी एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई होप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा ओके। से दिस, रोहन वर्क वेरी हार्ड, यहां पे हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड दैट इज वाई बट जो है वो मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा ओके। बट जरूरी नहीं, एंड और बट जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं कि वो किसी भी सेंटेंस में हो तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही हो ओके। नहीं, मैं जो बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जो मेरा सेम रैंक रहेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ बस उसी समय एंड और बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे ओके। इसमें भी और टाइप्स हैं जो हम और कवर करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर सब पार्ट्स जो मैं आगे बता रहा हूं ओके। सो दिस इज कंप्लीट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यही होते हैं जिसके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हो ओके। सेंटेंसेस जो हैं उनके पास सेम रैंक हो, रैंक इन द सेंस सब्जेक्ट से दोनों कनेक्टेड होने चाहिए ओके। सो दैट बिकम्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के फोर टाइप्स ओके। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर योर फोर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नंबर वन इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, नंबर सेकंड एडवर्सेटिव कंजंक्शन, नंबर फोर अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एंड नंबर लास्ट इलेटिव कंजंक्शन ओके। अब वन बाय वन हम लोग इसे समझते हैं कि क्या है ये। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में क्या होगा कि वो किसे ज्वाइन करेगा,
ओनली वन स्टेटमेंट टू अदर, मतलब जो हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, जो मैंने बताया था वो गो टू बेड और टेक रेस्ट वाला, ठीक वैसा ही, मतलब वो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ेगा, या फिर एक फ्रेज को कह सकते हो दूसरे फ्रेज से जोड़ेगा। एग्जाम्पल मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे, शी goes to bed and takes rest, okay? So ये मेरा एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, और ये दूसरा है, इसे ज्वाइन कर रहा है कौन, एंड। सो दिस बिकम्स माई क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ओके, दिस वन इज डन। नेक्स्ट है एडवर्जेटिव कंजंक्शन, ये क्या है, मैंने लिखा है यहां पे एक्सप्रेसेस ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मतलब विरोध करना, जैसे देखो ही इज स्लो बट ही इज श्योर। तो देखो यहां पे फर्स्ट जो मेरा सेंटेंस है वो शायद नेगेटिव है, ही इज स्लो मतलब ऐसा कोई काम वो कर रहा है जिसमें वो स्लो कर रहा है, लेकिन वो श्योर है, श्योर मतलब किस लिए, या तो वो कंप्लीट कर देगा या फिर जो वो काम कर रहा है उसका रिजल्ट उसे पता है कि मुझे मिल जाएगा। सो समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट रहेगा उससे थोड़ा सा अपोज करेगा सेकेंड सेंटेंस, मतलब फर्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन जो मेरा सेकेंड सेंटेंस रहेगा वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाएगा। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करेंगे उसे हम लोग कहेंगे एडवर्जेटिव कंजंक्शन, ओके। नेक्स्ट बिकम्स ऑल्टरनेटिव, ये इसमें देखो मैंने लिखा है गिव्स ऑप्शंस। हम सभी लोग इधर और नेदर नॉर ये सब कुछ पढ़े हैं, तो वहां पे क्या होता है, इधर ही इज गुड और हिज ब्रदर इज गुड, ऐसा कोई अगर सेंटेंस है लिख देना है यहां पे, इधर ही इज गुड और हिज ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो अच्छा है या उसका भाई या भैया जो भी अच्छा है, मतलब दोनों में से कोई एक, तो हम ऑप्शंस ले रहे हैं ना, तो दोनों में से कोई एक जो है वो अच्छा है, तो यहां पे मेरा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होगा, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होगा, इधर और, ओके। ठीक वैसे ही नेगेटिव जब बनाना है तो नेदर नॉर लगा सकते हैं, ओके, so that becomes your alternative conjunction। last वाला जो है elative conjunction, इसका देखो one sentence results to the next sentence, मतलब ऐसा कोई sentence जिस ऐसा वो sentence रहेगा जिसका first part second part का result बताएगा, जैसे मैं बता रहा हूं the child is अनवेल या इल लिख सकते हो, सो ही इज नॉट प्लेइंग, ओके। सो सी दिस, यहां पे आप समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस जो मेरा है वो मेरे नेक्स्ट सेंटेंस का रिजल्ट बता रहा है, मतलब ये वाला क्यों हो रहा है, ओके, ये रिजल्ट है ये वाला क्यों हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में उसका रीजन है। चाइल्ड जो है मतलब जो बच्चा है वो अनवेल है, हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, इस वजह से वो नहीं खेल पा रहा है, सो इलेटिव कंजंक्शन यहां पे सो है। ये आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, चारों टाइप्स मैंने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का डेफिनेशन लिखते रहते हैं, दीज आर द कंजंक्शंस विच हैव डिपेंडेंट clause or subordinate clause
ओके, दीज आर द कंजंक्शन विच हैव डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. डिपेंडेंट जब मैं बोल रहा हूं तो आपको याद आ रहा होगा कि पिछले पार्ट में, मतलब जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन था उस पर मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात की थी. ये ठीक उसका उल्टा है डिपेंडेंट क्लॉज. आप याद करोगे तो मैंने यहां लिखा था कि टेक रेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है. क्यों? वो डिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंडेंट का मतलब वो मेरे सामने वाले क्लॉज से कनेक्टेड रहेगा. अगर सामने वाला क्लॉज नहीं है तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा. सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. वी ईट दैट वी कैन लिव. हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें. ये आपका कंजंक्शन है. अब ये सबऑर्डिनेटिंग कैसे होता है देखो. डिपेंडेंट मैंने बात की थी. डिपेंडेंट मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा. अगर एक नहीं है तो दूसरे के मीनिंग नहीं रहेगी. फर्स्ट देखो, वी ईट है, इसका कोई सेंस है सिर्फ वी ईट का? नहीं है. नेक्स्ट वी कैन लिव, हम जिंदा रह सकते हैं, इसका भी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है. ओके, सो ये दोनों जब इससे जुड़ते हैं, जब मैं इन दोनों फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जब इस कंजंक्शन से ज्वाइन करता हूं, तब जाके इनका मीनिंग क्लियर होता है. इसके अलावा जब ये नहीं रहेगा तो इन दोनों का कोई भी मीनिंग नहीं है. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करेगा उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, पिछले वाले में मैंने बताया था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, दूसरा भले ही ना हो, या दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं. जहां पे मेरा एक भी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहेगा, आई रिपीट, जहां पे मेरा एक भी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहेगा, मुझे दोनों फ्रेजेस के मीनिंग नहीं समझ में आएंगे अगर मैं उन्हें अलग कर देता हूं, तभी जो ज्वाइन करता है वर्ड वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो, लास्ट जो टाइप है वो क्या है? कोरिलेटिव. कोरिलेटिव कंजंक्शन अब क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो हैं जो पेयर्स में होंगे. पेयर्स इन द सेंस, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, बोथ रिया एंड हर ब्रदर आर नॉटी. लिख देते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस का पहले डेफिनेशन लिख देते हैं. दीज आर द कंजंक्शंस which join paired sentences. जो pairing के साथ sentences join होंगे, जो conjunction paired sentences को join करेगा, वो correlative conjunction कहलाएगा. Okay? इसका example मैंने बताया, both Rhea and her brother are naughty. Okay? मतलब रिया भी naughty है, उसका brother भी naughty है. Okay? So ये pair में है दोनों. Okay? So this, ये जो both और and जो है, ये मेरे correlative conjunctions है. क्योंकि जहां पे both लगा है वहां पे and जरूर लगेगा. Okay? So this is, और एक इधर और भी आता है कि इधर श्याम और राम इज इंटेलिजेंट. ओके, तो देखो इधर और ये जो है ये भी पेयर में आते हैं हमेशा. ये कंजंक्शंस जो है ये भी पेयर में आते हैं, और ये हमेशा ऐसे सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे जो खुद पेयर में है. मतलब इधर और जो है, एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी आता है जो पीछे मैंने बताया था, वो वाला नहीं,
ऐसे सेंटेंस जिसमें दोनों पेयर किए जा सकते हैं, मतलब या तो श्याम इंटेलिजेंट है या तो राम इंटेलिजेंट है। तो यहां पे पेयरिंग बन रही है। सो दिस टाइप ऑफ कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। वीडियो में कोई डाउट्स है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं होती है, या अगर मैं कुछ मिस कर दिया हूं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए आए हैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।